हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय एसटेगर। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय एसटेगर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल हमने लीगल कंसल्टेशन के लिए टू द लिटिगेंट्स और साथ में जो है कंपटीशन के प्रिपरेशंस के लिए जो लर्नर्स तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, पीसीएस जे के लिए, एपीओ के लिए, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उनके लिए बनाया है। टारगेट है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। और मैं चूंकि यूजीसी नेट लॉ के लिए एजुकेटर हूँ, एन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं लास्ट 3 ईयर से रेगुलर क्लासेस लॉ के लिए ले रहा हूँ। एन अकेडमी पर मेरा रेफर कोड राजीव लॉ है, तो कोई भी लर्नर चाहे तो मेरे प्रोफाइल को सर्च कर सकता है एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और दिसंबर 2022 का जो पेपर है, जून का, जो डिले होते होते अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर 2022 में हुआ है, और लास्ट में जाकर के अब नवंबर 5 नवंबर में उसका रिजल्ट आया है ना। तो बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जो काफी समय से हमारे साथ प्रिपरेशन में रहे, वो अपनी जर्नी के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके, कितनी मेहनत करके इस कंपटीशन को पास किया है। तो आज हमारे साथ बलवीर जी हैं, जिन्होंने जनरल कैटेगरी में नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पेपर वो क्वालिफाई किया है। सीएस सिक्योर 206 मार्क्स, जिसमें से 148 मार्क्स इन्होंने सिर्फ लॉ सेकंड पेपर में सिक्योर। तो मिलते हैं बनवीर जी से, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताएंगी। तो बनवीर जी, आप सबको, हमारे लर्नर्स को ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका मीडियम है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी सर, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम बनवीर कौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। और मैंने अपना BA LLB ऑनर्स पंजाब यूनिवर्सिटी में से 2020 में पास किया। फिर मैंने LLM की, वो 2021 में पास की। 1 ईयर LLM थी मेरी। और LLM करने के टाइम से ही मैंने सोचा था कि मुझे ये एग्जाम देना है, एंड आई स्टार्टेड विद माय प्रेपरेशन ड्यूरिंग माय LLM। सो LLM के टाइम ही मैंने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी May 2021 में। तो तब से मैं राजीव सर की क्लासेस लगा रही थी ऑनलाइन, और जब सर क्लास में पढ़ाते थे तो नोट्स देते थे, मतलब PDF नहीं, वो लिखवाते थे, जिससे मतलब हर जो कंटेंट है वो याद हो जाता है बंदे को लिख के कि मैंने क्या पढ़ा, उसको रिवाइज करना। क्योंकि जब आप कोई भी चीज लिखते हो तो आपको वो याद हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सर ने सारे नोट्स, 10 यूनिट्स थी लॉ पेपर में, जैसे आप सबको पता है 10 यूनिट्स में अलग अलग पार्ट्स हैं लॉ के, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ हो गया, एटसेट्रा। तो सर ने एक एक यूनिट को टच करा, और क्लासेस में नोट्स बनाती थी जो सर करवाते थे, और साथ ही साथ में मैं रिवाइज करती थी। और प्लस मैं एक अपना एक ओवरव्यू लॉ की जो प्रेपरेशन थी मेरी, उसमें मैं ये रखती थी कि मुझे बेसिक नॉलेज मैं भूलू ना, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा IPC का एक यूनिट आता है UGC में, और इन्वायरमेंट लॉ वगैरह हमारे हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ है। जैसे न्यूज़पेपर में से भी कोई कुछ नया हुआ है, मतलब अपने आप को अपडेट करके रखती थी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ UGC नेट लॉ पेपर। कि एक तो स्टैटिक पोर्शन हो गया लॉ का, और एक डायनामिक हो गया कि कुछ नया हो रहा है, जो भी जुडिशरी के रिलेटेड नया हो रहा है। तो जैसे इस बार जो एग्जाम आया था लॉ का पेपर 2, उसमें ये था कि क्वेश्चंस बहुत, कई तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था, राइट टू इक्वालिटी किस आर्टिकल में है। तो वो अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखोगे लॉ के, आपको पता होगा आपके 2 मार्क्स तो उसमें से सीधे ही आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में से, कि आर्टिकल 14 है। तो आपको लॉ के पेपर में मेरी यही सजेशन रहेगी, आप अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, कि आप अपने सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रांग रखो। क्योंकि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि बेसिक छोड़ देते हैं, उसे आगे चलने लग जाते हैं कि अब पता नहीं एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स कितनी हाई हैं, ये है। सो मेरी ये सबसे बेसिक बात, यही सजेशन रहेगी आप सभी को, जो भी नेट 2022 दिसंबर में अब देंगी, जिसकी नोटिफिकेशन आएगी, कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें आपने सेलमेंट है, ऑस्टिन है, स्कूल्स हैं जुरिस्प्रूडेंट्स के, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन सा ऑथर, कौन सा जुरिस्ट किस स्कूल से है। बच्चे ये बात, इसको छोड़ के आगे का
करने लग जाते हैं, फिर बेसिक से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आईपीसी हुआ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जैसे एक पैसेज आया था इस बार एग्जाम में, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जैसे उसके मैगजीन्स होते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, कि जस्ट कॉग्निजेंस क्या है. अब अगर आपको उसके बेसिक्स पता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, सो यू कैन इजिली सॉल्व दोज क्वेश्चंस. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक 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 हुआ बना देते हैं बच्चे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, ये हो जाएगा. सो इट इज बेसिकली आप अपना बेसिक को अपने डायनामिक से मैच करके रखो, कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में से पढ़ो, या आपके जो सर नोट्स देते हैं, सर बेसिक्स को तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. अगर आप रोज सर की क्लासेस लगाओ, आप नोट्स ब्राउन को रिवाइज करते रहो, सर रिवाइज भी करवाते हैं, जैसे सर रिवीजन के बैचेस भी लगाते हैं, तो आपको एक कॉन्टिन्यूटी रखनी पड़ेगी लॉ के पेपर के लिए. जैसे मेरे 74 क्वेश्चन राइट हुए थे 100 में से, सो वो इसीलिए हुए क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखा. फिर बात आती है लॉ, क्योंकि लॉ में जैसे अब रिसेंटली बहुत चेंजेस आई हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली वो उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सा केस है, जैसे अभी रिसेंटली हिजाब का इशू हुआ था, ये सब बातें ये आपको पता होनी चाहिए. नो डाउट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की कितनी बात चली है, कोविड के बाद से ये शुरू हुआ वर्चुअल कोर्ट के बारे में, तो ये आपको पता हो, प्लस आपके बेसिक स्ट्रांग हो. लॉ में तो यही होगा. पेपर वन की अगर मैं बात करूं, देखो पेपर वन इज समथिंग जिसे आपको, आप बच्चे क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये तो एक अनप्रडिक्टेबल पेपर है और इसको छोड़ो, अपना ऑप्शनल पे करते जाओ, इसको छोड़ के ये तो वहां पे पता चलेगा क्या आएगा, ऐसे करते हैं ज्यादातर बच्चे. ये मत करो. जैसे कि आपकी आईसीटी की यूनिट है, तो उसमें आपको पहले ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी वीकनेस क्या है पेपर वन में और मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो. जो आपकी वीकनेस है उस पे ज्यादा काम करो, जो स्ट्रेंथ है उसके उसकी प्रैक्टिस करो. दैट शुड बी द अप्रोच, करेक्ट अप्रोच फॉर पेपर वन. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बच्चे छोड़ देते हैं, पैसेज तो कोई भी आ सकता है, वहां से देखेंगे, चलो कर लेंगे, बट उसकी भी एक टेक्निक है अपनी. वो आपके 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, वो मतलब वो ऐसे हैं कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, दैट इज योर, वो आपको मिल जाएंगे. बट बच्चे उसको उलट करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वो ऐसे ही चले जाते हैं कि ठीक है. और पेपर वन में जैसे आपकी एनवायरनमेंट की यूनिट आती है, उसमें आता है जैसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब रिसेंटली जैसे अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हो रहा था इजिप्ट में, अब अगर मैंने इस पेपर की तैयारी करनी हो 2020 दिसंबर, दिसंबर वाले पेपर की, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको जरूर कवर करूं, क्योंकि वो रिसेंट है, तो एनटीए ये भी देख सकता है कि कहाँ हुआ ये समिट, कौन था, इंडिया ने क्या पार्टिसिपेट किया, ये सब चीजें. तो आप जो जैसे इन्वायरमेंट की यूनिट है उसको थोड़ा सा डायनेमिक और थोड़ा सा बेसिक, कि द सेम ब्लेंड शुड बी देयर एवरी टाइम यू प्रिपेयर फॉर इट. देन हायर एजुकेशन की एक यूनिट आती है, अब उसमें उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. जैसे हमारे अभी डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से स्वयं प्रभा एंड एवरीथिंग. जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स उसमें से आइडेंटिफाई करने थे, जो ये पेपर हुआ था. तो अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है कि कौन सा प्लेटफॉर्म, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिस्कस करते हैं, सिंस वी आर सो मच कनेक्टेड विद द इंटरनेट नाउ, स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम्स नाउ. तो ऐसी चीजें जो हायर एजुकेशन में है, आप जैसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, आपको वो सब बातें पता हो, डिस्टेंस लर्निंग हो गई, फिर आपका ये हो गया अपना जो बेसिक्स हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में कमीशंस थे, कोठारी कमीशन था, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारा वुड्स डिस्पैच आया, मिकॉले मिनट्स आए थे, ये सब चीजें जो है आप अपना एक टाइमलाइन बनाओ हायर एजुकेशन की, कि ये शुरू में हुआ ब्रिटिशर्स ने, ये जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन विच हायर एजुकेशन वाज डिस्कस्ड इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस टाइम. सो आपको एक, जैसे मैंने बनाया था एक डायरी में, मैंने अपनी एक टाइमलाइन बना ली कि भाई इसको मैंने देखी जाना है, और कलरफुल पेन से बनाओ, ऐसे नहीं कि वो मोनोटोनस लगे देखने में. ब्लू पेन से सारा कुछ लिखोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे उसको,
उसको, वो बहुत मोनोटनस लगता है, ये मेरी पर्सनल अपनी मतलब थिंकिंग है। उसको कलरफुल बनाओ, आपको अपीलेबल लगे, आप उसको बार बार पढ़ने का मन करे। फिर हायर एजुकेशन में ही अब डिजिटल इनिशिएटिव है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम हर टाइम, तो न्यूज़पेपर्स में अब इतनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें कितने जैसे प्रोग्राम्स हैं कि भी बच्चों के लिए अब ये स्कूल सेटअप करने हैं, ये करना है, स्मार्ट स्मार्ट स्कूल्स हैं, ये मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो आपको जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रीसेंट चीज है वो, और उससे पहले की एजुकेशन पॉलिसीज जो आई थी 1968 में, 1986 में आई थी, वो सब आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट। सो बेसिक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस की है पेपर वन एंड पेपर टू दोनों को अगर मैं सम अप करूँ तैयारी करने के लिए, तो एक अपने पास सिलेबस का प्रिंट आउट रखो दोनों पेपर्स का, एंड ट्राई टू लर्न द सिलेबस फर्स्ट। व्हाट इज द सिलेबस? अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता कि मतलब क्या पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, सो हाउ कैन यू सेल थ्रू द जर्नी? आपको, मैंने रखा अपने पास प्रिंट आउट और मैं रोज चेक करती थी कि पेपर वन में से आई हैव टू स्टार्ट विद दिस यूनिट, एंड देन पेपर टू में साथ ही साथ साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में मैं पेपर वन का पढ़ लिया, एक यूनिट चल रही है मेरी, जैसे आईसीटी चल रही है पेपर वन की, और पेपर टू की मैंने जब 12 o'clock से क्रॉस करा टाइम, आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम हो गया, सो देन आई विल स्टार्ट विद माई लॉ प्रेपरेशन, कि लॉ का मुझे ये अब फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन रखना है, तो मैंने बेयर एक्ट उठाया और एक निगाह मारी फंडामेंटल राइट्स पे, मतलब एक देख लिया कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। और आपकी अमेंडमेंट्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे कई बार अमेंडमेंट छोड़ जाते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, 86 अमेंडमेंट है राइट टू एजुकेशन के लिए आई थी। सो ये सब चीजें आपको, इट इज ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी एट द एंड, कि आप कितना कंसिस्टेंटली कितना सीरियसली प्रेपरेशन कर रहे हो। पेपर वन में जैसे आपकी एक यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च एप्टीट्यूड की, आपको क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड तो एक बेसिक चीज है, हम स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम यूनिवर्सिटीज तक आ गए, तो हमें पता है कि स्कूल का क्या एनवायरनमेंट होता है। उसके तीन लेवल्स हैं कि एक एक ऑटोनमस लेवल सबसे नीचे है, फिर ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, वो सब चीजें आपको एक चार्ट फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट्स में, या एक पैरामिड के फॉर्म में अपनी नोटबुक्स पे जॉट डाउन करो, और उनको बार बार से कोई निमोनिक बना लो कि ये इसका याद नहीं होता तो निमोनिक बनाओ कि ये स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे मैंने याद करना है बार बार। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक अ कॉन्टिन्यूटी, मेक अ कंसिस्टेंसी, कि मैं ऐसे तैयारी करूंगी और उसके बाद मैं उसको ऐसे रिवाइज करूंगी। हम नोट्स बना लेते हैं, बना के छोड़ देते हैं, या उनको पढ़ते नहीं दोबारा। जैसे एग्जाम से पहले, एक वीक पहले ही मैंने सारा टीचिंग एप्टीट्यूड की दोबारा से रिवीजन की, मुझे पता होना चाहिए। फिर एक और बात है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड का हमारी यूनिट है उसमें, तो रिसर्च एप्टीट्यूड इज समथिंग जो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज वेरी यू कैन से कि वो रेपिटेटिव नेचर की यूनिट है। तो आपको ये चीज, रिसर्च के मेथड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिसर्च में सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, आगे कौन। बात ये है बलवीर जी, आपने जो अब तक बात बताई कि नवंबर से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, टोटल जी कंसिस्टेंसी आपने अपनी प्रिपरेशन की एक स्ट्रेटेजिक वे में की, और साथ में आपने एक प्रोग्राम बनाया कि मुझे पेपर फर्स्ट के लिए कितना समय देना है, पेपर सेकंड के लिए कितना समय देना है। तो थोड़ा सा ये बताइए जी कि सर जैसे आपने अपनी स्टडीज स्टार्ट की, आपने कहा नवंबर, मैंने मई में जो है 2021 में ट्वेंटी सब्सक्रिप्शन, ट्वेंटी वन है ना, जी सर मई 2021 में आपने सब्सक्रिप्शन ऑप्ट किया अकेडमी का, तो आपको कहाँ से इन जी क्लासेस के बारे में पता चला? सर मुझे एक्चुअली, मैंने गूगल पे सर्च किया था यूजीसी नेट डाल के, और मैंने उस पे डाला कि प्रोमिनेंट कोचिंग प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, तो वहां पे बायजूस आ गया, ग्रेड अप आ गया, अन अकेडमी आ गया, तो अन अकेडमी के रिव्यूज मतलब ज्यादा अच्छे थे जो स्टूडेंट्स ने डाले हुए थे। सो देन आई कॉल्ड अप एट अन अकेडमी एंड आई टुक द सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन। तो तभी जब मैंने अन अकेडमी ऐप यूज की, तो पेपर वन के लिए जैसे तलवीर सर की क्लासेस मुझे अच्छी लगती थी कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, रिवाइज करवाते थे। आपकी क्लासेस मैंने जब मैंने देखा आपके रिव्यूज बहुत अच्छे थे वहां पे, तो फिर मैंने आपका वो कर लिया ज्वाइन क्लासेस को। तो एक कंसिस्टेंसी बनाई, आपकी क्लासेस, आपके नोट्स मैंने बार बार वो ही पढ़ना जब आप करवाते थे लिख लिया, फिर क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करने एमसीक्यूज सर, कि जिससे एक कॉन्फिडेंस लेवल आए कि मॉक्स देने, पेपर वन के भी मॉक्स देने, कि मुझे पता चले कि वेयर आई एम,
कितना स्कोर आ रहा है मेरा। मिला के आपने शुरुआत में 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया अनएकेडमी पर, जिसमें आपको दोनों पेपरों की तैयारी मिली, पेपर फर्स्ट की भी पेपर सेकंड की, है ना। मतलब दोनों जी पेपर सर की तैयारी आपकी सिंगल सब्सक्रिप्शन से हो गई। एक बात तो आपको अच्छी भी लगी होगी, भाई मैंने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था और यहाँ तक लोगों की भी मुझे कोचिंग मिल गई। साथ में आपको जी ये आपने कहा कि आपको तलवीर सर की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो आप सेटिस्फाइड जी हुए उससे। तो फिर आपने जब लॉ की क्लास ज्वाइन की तो आपको लगा कि हाँ, यहाँ भी एक क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ भी एक ऐसी एजुकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करना और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर द कंपटीशन, इसमें बड़ा अंतर होता है ना। जी सर ये एब्सोल्युटली हाँ जी क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए ही कोई भी लर्नर बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग्स की तरफ जाता है, बहुत जी मतलब सर फीस पे करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? बिकॉज ही वांट टू कॉम्पिटिट, ही वांट टू गेट द सक्सेस। तो अगर वो जी आपको सर आपके डोर स्टेप पे अनएकेडमी के थ्रू मिल रही है, तो आई थिंक दैट इट इज अ बेटर इनिशिएटिव। जो अनएकेडमी का मोटो है लेटेस्ट क्रैक, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। आपका क्या विचार है इस? जी इस बिल्कुल सर बिल्कुल सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि तो आप ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वो सारी चीजें हो जाती है टाइम आप घर पे सेविंग बैठ आपका के। होता है, एक्सपेंस मनी आपकी सेव एब्सोल्यूट होती है ना। जो कंपटीशन बिल्कुल पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप बिल्कुल चाहे सर कंपटीशन में पेपर देने के लिए बैठे, वहां भी आपको टाइम बचाना है, चाहे आप तैयारी जी करें वहां भी आपको अपना टाइम सेव करना है। टाइम वो जो पर्पस बिल्कुल सर है एब्सोल्यूट कंपटीशन का, वो आपका पूरा हुआ यहाँ से, है ना। ये आप बिल्कुल सर तो जैसे आपने कहा कि जी नवंबर में मतलब मई में 2021 में आपने सब्सक्रिप्शन लिया, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, तो इससे जी पहले सर भी आपने कोई कंपटीशन दिया? या 2022 का जो कंपटीशन था जून का, इससे पहले भी आपने कई बार कंपटीशन दिया या पहली बार ही आपने अटेम्प्ट किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नेट का सर अटेम्प्ट या नेट का यूजीसी ऐसा फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका फर्स्ट टाइम था, और आपने कितना जी। टाइम अपना डिवोट किया, मतलब मंथ्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ नेट की तैयारी के लिए? सर मैंने जब मई में ली थी सब्सक्रिप्शन, उसके बाद मैंने तब तो मैं कंटिन्यूटी में तैयारी करती रही, फिर उसके बाद जो डिजिटल सर्विसेज एग्जाम्स आ गए, जैसे हरियाणा का पेपर आ गया था, तो राजस्थान का आ गया था उस सेम ईयर में पिछले साल, तो फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, प्रोसीजर लॉ वगैरह है तो फिर ओवरलैप नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उधर लग गई। फिर तभी मैंने पिछली बार देना था नेट, पर मैंने सोचा कि मुझे ये देना है तो मैंने दिया नहीं पिछली बार लास्ट ईयर। तो उसके बाद सर फिर मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई 6 मंथ्स की, एंड फिर मैंने फिर दोबारा से सब्सक्रिप्शन ली अनअकैडमी की इस साल। दोबारा हमने रिन्यू किया। जी जी सर, बिकॉज मुझे ये था कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहे, रिवीजन होती रहे आपकी क्लासेस से, तो फिर मैंने इस साल भी ली सब्सक्रिप्शन, और फिर मैंने वो नोट्स और इस बार दोबारा जो मैंने फिर नए नोट्स बनाए उसको फिर अमैलमगेट करके फिर अपनी रिवीजन करती रही सर, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करती रही। तो सर उसके बाद फिर नेट की जैसे डेट पोस्टपोन होती जा रही थी, सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर मी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो डिमोटिवेटिंग हो रहा है कि पेपर ही नहीं होने में आ रहा है, इतना बार बार ये हो ही जा रहा है। फिर लॉ का पेपर भी सर एंड में हुआ सबसे, 14th को, तो फिर वो भी ये हो रहा था कि अब इतनी वेट करनी पड़ रही है, सितंबर भी निकल गया, तो फिर फाइनली हुआ कि चलो एडमिट कार्ड आ गया कि अब होगा एग्जाम। तो जब लॉ का पेपर था, जिस दिन मैंने जैसे पेपर वन सॉल्व किया पहले, उसके बाद मैंने ऐसे नहीं किया कि मुझे पेपर वन मतलब पहले मैंने सारे फिनिश करना है फिर मैं लॉ पे जंप करूंगी, सो जितना मुझे पहले सेटिस्फैक्टरी लगा लॉ का पेपर, पहले मैं पेपर वन मैंने उतना सॉल्व करके फिर मैं पेपर टू पे शिफ्ट हो गई, बिकॉज मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी अपना। तो मैंने लॉ का जब धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ा, केस लॉस पे क्वेश्चंस थे कि किसमें क्या मतलब हेल्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उस पे थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया, सोचा कि हाँ ये है बेसिक्स थे, तो धीरे धीरे फिर मैंने लॉ का पेपर भी 50% सॉल्व किया, देन अगेन शिफ्टेड टू पेपर वन, कि मेरा उधर भी साथ साथ चलता रहे दोनों पेपर्स, ऐसे ना हो कि कोई भी सफर करे दोनों पेपर्स में से। तो फिर उसके बाद मैंने फिर लॉ के पेपर पे पेपर वन किया, फिर लॉ के पेपर पे शिफ्ट हो गई, ऐसे पेपर दिया। तो जो मैंने मार्क क्वेश्चंस को फ्लैग कर लिया, जो जो क्वेश्चन थे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, तो गारंटी का एक श्योरिटी का क्वेश्चन था, तो मैंने उनको फ्लैग डाल दिया कि भाई ये मुझे, मैं दोबारा सोचूंगी इसका, फिर मैं सोच सोच के फिर इसका आंसर फाइनलाइज करूंगी एमसीक्यू में। तो ऐसे करके सर मतलब लॉ का जो पेपर था, मैंने लास्ट ईयर का पेपर देखा था जो पिछले साल हुआ था और इस साल का, सो आई फील कि कट ऑफ इसलिए भी हाई गया है इस बार लॉ का, क्योंकि पेपर का जो मतलब ये था कि इस बार बेसिक से एनटीए ने ज्यादा डाला हुआ था,
कि वो टेस्ट कर रहे थे कि बच्चे ज्यादा ये सोचते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा, तो इनको बेसिक्स में से देखो इस बार, मतलब मॉडरेट था पेपर का लेवल, इतना ज्यादा वो नहीं था। जैसे जुरिस्प्रूडेंस में से पिछली बार क्वेश्चंस वर क्वाइट ऑफ हाई लेवल, बहुत क्वेश्चंस ये आए हुए थे, तो इंटरनेशनल लॉ में से भी हाई लेवल के थे पिछली बार, तो इस बार दे कैप्ट इट एट अ मॉडरेट लेवल। तो सर दिस इज हाउ, लाइक लॉ के लिए तो मैं यही फिर कहूंगी कि भाई अपना स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को साथ साथ लेके चलो, और अपने दोनों पेपर्स में कोऑपरेट करो, पेपर वन को मत इग्नोर करो, और इक्वल अटेंशन दो दोनों पेपर्स को कि हाँ मुझे यहाँ से भी इतना स्कोर करना है और यहाँ से भी इतना स्कोर करना है। जैसे जब मैं लॉ की तैयारी कर रही थी तो आई मेड इट अ टारगेट कि मुझे 75 क्वेश्चंस तो हिट करने ही करने हैं 100 में से, सो दैट कि मेरा 25% पीछे बचे, वो बाकी सारा मुझे मेरा मिल जाए। तो बाय गॉड्स ग्रेस आई मस्ट से कि वाहेगुरु हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं 74 का, चलो 75, 74 तो मैंने हिट किया वहां पे। तो सर यही मेरी एडवाइस रेपिटेटिवली यही रहेगी सारे एस्पिरेंट्स को, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, कि आप कर सकते हो। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, क्योंकि मैंने एक यहाँ बात तक और मेरी जो समप हुआ है यहाँ तक जितना आपने बताया है कि 6 मंथ्स का जी आपने सर सब्सक्रिप्शन लिया, फिर उसके बाद में भी आपने दोबारा तैयारी की, तो हम ये कह सकते हैं कम जी से कम 8 to 12 मंथ्स प्रिपरेशन में लगता है अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तैयारी करें कंटिन्यूअसली, तो इतना समय जी सर आपको जी सर नहीं लगेगा। दूसरी चीज जी आपने सर कही कि दोनों पेपर आपको तैयार करने, पेपर फर्स्ट भी तैयार करना है, पेपर सेकंड भी तैयार बिल्कुल करना सर है। तीसरी चीज आपने कही हाँ कि जी पिछली बार जो पेपर आया वो बड़ा टफ था, अब की बार का जो पेपर है वो बड़ा मॉडरेट था, तो इट मीन्स आपको बॉटम टू टॉप सब कुछ तैयार करके आना जाना पड़ेगा पेपर में। जब भी आप ये बिल्कुल सर सोचें कि भाई आपको जो है पेपर आपका क्वालिफाई हो पाएगा, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ तब पढ़ के चले गए तो पता लगा पेपर बेसिक आ गया तो फिर आप घर वापस आ गए, पता लगा आप बेसिक पढ़ के चले गए पेपर टफ आ गया तो फिर आप घर वापस आ गए। तो बिल्कुल सर आपको इस तरह से अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि सब चीजें आपको जो है फ्रॉम बॉटम टू टॉप पढ़ के जानी है। दूसरी चीज जैसे कि अभी बताया भरवीर जी ने कि दोनों पेपरों को आपको पूरा पढ़ना है। तीसरी चीज ये बताई इन्होंने कि पूरा सिलेबस भी आपको कवर करना है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मेरा टारगेट ये था कि 100 में से मैं कम से कम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं, तो 75 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का तो मेथड ये है ना कि पूरा सिलेबस आपने पहले कवर किया हो जब ही आप उसको जी पढ़। सर और जहां तक बात है बिल्कुल सर सिलेबस की, 1 से लेकर के 10 तक की जो यूनिट्स हैं लॉ की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो 32x उसके अंदर आते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा वाइड बिल्कुल बड़ा वास्ट सिलेबस है। उसको कवर करना पेपर के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और दूसरा जो टाइम सेविंग फैक्टर है वो भी होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बिल्कुल फैमिली ट्रेवल करते रहें और टाइम पढ़ने का जो नेट टाइम है आपका वो अपने आप में काफी कम रह जाए। तो उसका तरीका ये है कि बिल्कुल टाइम सेविंग तरीके से आप पढ़ें, है ना, और एक राइट प्लेटफॉर्म पर राइट तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करो, अपने टाइम जो है आप मैनेज करें पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड दोनों के लिए, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा, है ना। बिल्कुल सर आपका एब्सोल्युटली कोई और मैसेज हो इसके अलावा, जितना आपने बताया काफी अच्छा, आपने हर सब्जेक्ट हर यूनिट के बारे में भी आपको बताया, साथ में ये बताया कि भाई स्टैटिक तैयारी भी आपको करनी, जो स्टैटिक आपका कोर्स है जी क्योंकि हमेशा फिक्स रहता है। दूसरा डायनेमिक जो कि डे टू डे एक्टिविटीज चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि ईसी की भी आपको पता होना चाहिए, टफ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप ये उम्मीद करें कि ये भाई आपका पेपर क्वालिफाई होगा। तो जी आप सर एक बात और एब्सोल्युटली बताइए कि कितना समय आप डिवोट करती हैं डेली, और थोड़ा सा ये बताइए कि आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं या अनमेरिड हैं, क्या इसकी पोजीशन, थोड़ा सा अपने बारे में ये भी बताइए, क्योंकि तो इससे भी लर्नर्स को ये लगता है, बहुत सारे सोचते हैं भाई मैं तो काम करता हूँ इन्होंने तो कह दिया तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं तो भाई इनके कहने से क्या होता है, या जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट वो किस तरह, तो आपकी अपनी क्या वो मतलब कहने की रेस्पॉन्सिबिलिटीज रही है उसके बारे में पढ़ा। जी जी सर एब्सोल्युटली सर प्रेपरेशन के टाइम पे एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी लुधियाना में, तो मुझे वहां पे भी जाना होता था, जैसे सारा लिटिगेशन का काम है, बेल्स है, एवरीथिंग। तो सर मैं मैनेज करती थी, शाम को वापस आती थी, तो आई यूज टू कीप की जैसे 2 घंटे रात को, आई यूज टू कीप की 1 घंटा फिर पेपर वन के लिए, फिर 1 घंटा लॉ के लिए, ऐसे जब मैं कोर्ट जाती थी तब। उस टाइम पे मैं अनमैरिड हूँ सर अभी, तो आई एम जस्ट परसुइंग माय स्टडीज, और अभी साथ में मेरे एमए भी चल रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसका भी मुझे साथ साथ करना था। तो जब कोर्ट जाती थी तो शाम को, और फिर मैंने उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का लीव ले लिया वहां से, क्योंकि जब नेट का ऐसे हो गया कि नोटिफिकेशन आ गई, एडमिट कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, तो मुझे ये हो गया कि अब आई हैव टू बक अप माय प्रिपरेशन, सो आई कांट वेस्ट माय टाइम फॉर कि मुझे अब मैं वहां पे रहूंगी तो हाउ कैन आई प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। तो फिर मैंने जो 2 महीने थे
प्री एग्जाम जैसे अक्टूबर में था तो अगस्त सितंबर का, तो इन 2 महीनों में मैं घर पे रहती थी. तो आई यूज टू प्रिपेयर की, जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 एक एक यूनिट ले लेती थी दोनों यूनिट्स का, दोनों एग्जाम्स का, कि दोनों की तैयारी बराबर चले. ऐसे ना हो कि मैं या तो मैं इस चीज के फियर में, कि जैसे अभी मैं एक बात और बताना चाहूंगी एस्पिरेंट्स को, कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो मुझे उसका ये था कि भाई 5 क्वेश्चन अगर मैथ्स से आएंगे, तो लॉजिकल रीजनिंग का भी था कि वीकनेस थी कि अब मैं क्या करूं, ये मैं सफर करूंगी यहाँ से. डेटा इंटरप्रिटेशन का भी एक मैथ का ही पार्ट आ जाता है वो भी, तो उसको कवर अप करने के लिए कि मैं वहां से सफर ना करूं, आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे बाकी 7 यूनिट्स हैं जो पेपर 1 के, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ताकि मैं वहां से मार्क्स इतने फेच कर लूं कि मैं उसका, मुझे ये ना हो कि मैं वहां से लैग बिहाइंड कर गई, ये हो गया वो हो गया. तो मैं पेपर 1 के लिए वहां से करती थी. और पेपर 1 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फॉर एस्पिरेंट्स, आई वुड लाइक टू से कि आप मॉक्स दो पेपर 1 के भी, पेपर 2 के तो जैसे सर आप करवाते थे अनअकैडमी ऐप पे, जैसे आप टेस्ट डाल देते थे, वो हमें ऑप्शन चूज करना होता था इतने सेकंड्स के लिए, तो वो तो लॉ का तो हो रहा था. तो पेपर 1 के लिए फिर मैंने मॉक टेस्ट की सीरीज परचेज की, कि जैसे 10 मॉक्स थे उसमें, सो आई यूज टू गिव 1 मॉक एट 1 डे, फिर मैंने 1 मॉक हर रोज देना, और मुझे आइडिया हो गया कि वेयर आई एम स्टैंडिंग इन पेपर 1, कि मुझे कहाँ कहाँ और करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कितना और प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो पेपर 1 के लिए मॉक दो और उसकी तैयारी भी करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर लॉ ऑल्सो यू शुड गिव मॉक्स टू, आपको लॉ का 100 नंबर का पेपर फुल फ्लेज जितने दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 15 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, प्लीज प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप लॉ के भी मॉक दो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं 200 में से, वेयर आर यू हम स्टैंडिंग. अगर करें आपकी बात को, तो आपका कहने का मतलब ये है कि नोट्स तो आप अपने प्रिपेयर करें ही, साथ में उनका रिवीजन जी भी जरूर करें। जैसे भी आपने कहा कि ऐसा ना हो आपने नोट्स बना के डाल दिए, रिवीजन किया नहीं। तीसरी करेक्ट चीज आपने ये जी बताया कि भाई आपको साथ में जो है मॉक्स भी देने हैं, मतलब क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है ना। तो जब बिल्कुल आप सर क्वेश्चन भी साथ में प्रिपेयर करोगे तो ही आप जो है मतलब कहना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन को मतलब कहना चाहिए कि पूरी एंड तक पहुंचा सकते हैं और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा आप ये और बिल्कुल बताइए एंड में मुझे थोड़ा सा बरवीर जी, कि क्या आप आगे JRF के लिए प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू रखेंगे अपनी, या क्या आपका आगे टारगेट है, ड्रीम टारगेट क्या है? जी सर. सर अब मैं JRF के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं PhD के लिए भी मैं करना नहीं चाहती अभी 2 साल एटलीस्ट PhD के लिए एनरोल, क्योंकि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अब मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही हूँ, पंजाब का एग्जाम अभी आउट हुआ है, तो मेरा ड्रीम तो है जुडिशरी में जाना. सो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी मेरा एक ड्रीम था, चलो वो अब नेट हो गया, सो इट्स फुलफिल्ड नाउ. एंड PhD अभी मेरा करने का मन नहीं है सर, PhD करूंगी जरूर बट अभी नहीं. तो अभी मेरा जुडिशरी के लिए है, मेरे पेरेंट्स का सिंस एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड वो मुझे यही कहते थे कि पहले तो मैं लॉयर बनना है, फिर उसके बाद यू हैव टू गो फॉर जुडिशरी. तो अब ये भी उन्होंने मेरा ऑप्शन ओपन करा कि यू शुड ऑल्सो गो फॉर नेट एग्जाम, तो दे आर वेरी हैप्पी विद माई दिस अचीवमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने मेरा ये नेट का क्वालिफाई किया, जो मेरी इच्छा थी पूरी हुई. तो सर अभी मैं कर रही हूँ जुडिशरी की तैयारी, पंजाब जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर. उसके बाद ADA पंजाब का अगर आएगा तो वो भी जरूर मैं दूंगी, वो एग्जाम भी तैयारी करती है, उसकी भी तैयारी साथ ही साथ कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस ओवरलैप करता है दोनों एग्जाम्स का. सो सर ये मेरा टारगेट अचीव हो गया सर, मेरे एंड से पर्सनली जो मैं फील करती थी. तो अब आप क्या फील करते हैं, जो क्लासेस रही हैं आपकी ऑनलाइन, वो उसने कितना जी मतलब कहना चाहिए कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में, ये थोड़ा सा और बताएं। जी सर सर ऑनलाइन क्लासेस जो रही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप नोट्स बनवाते हो, तो वो चीज ये होती है कि आप हाथ से जो चीज आपकी एक बार लिख के हो गई तो वो दिमाग में बैठ जाती है, उसको बार जैसे PDF मिल जाते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है वो आई अग्री कि चलो ठीक है PDFs हैं नोट्स के, बट सर वो किसी और ने बनाए हैं, आप उसको आपकी रिक्वायरमेंट आपके जब आप हाथ से लिखते हो आपके एक तो दिमाग में आता है, और दूसरा आपको एक ऐसे होता है कि भी हाँ मैं कोई काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई एम. तो आपके जो रिटर्न नोट्स थे वो मैंने अपने पूरा रजिस्टर
बना के रखा कि लिख के कि राजीव सर नोट्स ऊपर लिख लिया उसके। तो उसके साथ सर ऑनलाइन क्लासेस में ये था कि एक रिवीजन होती रहती थी, जैसे आप पूछते रहते थे कि मैंने आपको ये बताया था, चलो सारे बताओ कि ये है बीच बीच में, तो उसे ये एक रिवाइंड होता रहता है दिमाग में कि हाँ कुछ ही मिला स्किप के भी हो गई तो। आपने लाइव क्लासेस भी की हैं, इसका मतलब जो आप जी जी बता रहे हो लाइव क्लास में भी आप आ रही हैं, और आपने हर जी क्वेश्चन का जो मैंने पूछे हैं उसका कमेंट भी आपने दिया है, साथ में क्लासरूम बोर्ड डिस्कशन आपने डेली अटेंड किया है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपने खुद देखी है। तो कुल मिला के जी कहने का सर मतलब कि आपको एक अच्छा मतलब कहना चाहिए कि एनवायरमेंट लगा और एक इफेक्टिव एजुकेशन आपको लगी और उससे आप जी सेटिस्फाइड सर बिल्कुल सर एब्सोल्युटली सर है ना। लास्ट थैंक्स टू बलवीर जी फॉर गिविंग हर वैल्यूएबल टाइम टू अस, और साथ में हमारे पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि भाई उन्होंने किस किस तरह से प्रिपरेशन की, कैसा उन्होंने यहाँ पे महसूस किया, और मेरी आगे भी उनको एडवांस में शुभकामनाएं कि वो जल्दी जज बन जाएं और अपने करियर की जो हाइट्स हैं जो पाना चाहती हैं उसको वो अचीव करें। ठीक है, तो थैंक यू थैंक सर, थैंक यू सो यू मच, थैंक फॉर योर टाइम एंड आई एम यू एंडिंग। सर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।